नवरात्रों का आज है भक्तों दूसरा दिन, नवरात्रों का आज है भक्तों दूसरा दिन। ब्रह्मचारी रूप का करेंगे नव दुर्गा का दूजा रूप तो ब्रह्मचारिणी है। नव दुर्गा का दूजा रूप तो ब्रह्मचारिणी है। अपने भक्तों को भव से पार तारिणी है, माँ भव से पार जो इस रूप का ध्यान लगाए मिलती अनेकों सिद्धि। जो इस रूप का ध्यान लगाए मिलती अनेकों सिद्धि। सदाचार तप त्याग वैराग्य में होती है वृद्धि, रे भक्तों होती संयम में वृद्धि।
क्योंकि ध्यान से ही माता ने शिव को मनाया है, क्योंकि ध्यान से ही माता ने शिव को मनाया है। रूप में वर के भोले को तब ही पिछले जन्म में पिता उनके राजा प्रजापति, पिछले जन्म में पिता उनके राजा दक्ष प्रजापति, और नाम इनका भक्तों तब था माता सती, रे भक्तों तब था महायज्ञ में दक्ष ने किया शिव का अपमान, महायज्ञ में दक्ष ने किया शिव का अपमान, हवन कुंड में कूद इन्होंने त्यागे अपने प्राण, रे भक्तों त्यागे Thank you.
चाहे माल चाहे कोई योग्य वर देखन का किया विवाह जाए पुत्री का विवाह किया जाए। मुनि नारद ने राजा ही माले से फिर ये कहा, मुनि नारद ने राजा ही माले से फिर ये कठिन तपस्या करनी होगी किंतु इसके लिए कठिन तपस्या करनी होगी किंतु इसके लिए कैसे मानेंगे शिव शंकर मुनि सब बता दिए नारद मुनि सब कुछ बता पिता से आज्ञा लेकर गौरावन में आई माता पिता से आज्ञा लेकर गौरावन में आई बैठ नीचे खुले अंबर के करने तपस्या लगी रे गौरा करने तपस्या एक शिला पर बैठ गई माँ शिव का ध्यान लगाया एक शिला पर बैठ गई माँ शिव का ध्यान लगाया अन्न का सेवन छोड़ दिया कंदमूल फल खाया माने अपने यूं ही बिताए एक हजार वर्ष माने अपने यूं ही बिताए शिव के ध्यान में बैठी है कंदमूल ही खाए माता ने कंदमूल ही खाए। लेकिन शिव के मानने के दिखे नहीं आसार लेकिन शिव के मानने के दिखे नहीं आसार कंदमूल भी त्यागने का मन में किया विचार माता ने मन में कंदमूल फल छोड़
वृक्षों के गिरे सूखे पत्ते फिर माता ने खाए, वृक्षों के गिरे सूखे पत्ते फिर माता ने खाए। नाम अर पड़ो माता का, इस कारण पड़ जाए माता का अर्पण मनाएंगे, भोलेनाथ को जाकर
कठिन तपस्या करके माँ ने शिव को मनाया है। कठिन तपस्या करके माँ ने शिव को मनाया है। वर के रूप में माता ने फिर उन्हें पाया है कि शिव को फिर से शीश झुका।